दोस्तों वैसे तो आपने कई तरह के फूल देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको फूल दिखाने वाला हूँ वो फूल आपने इससे पहले शायद ही कभी देखा हो। वैसे तो ये फूल देखने में काफ़ी सुंदर हैं पर थोड़े अजीब भी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं दुनिया के 10 अजीब फूल। फूलों की इस कैटेगरी में नंबर 10 पे आता है दोस्तों ब्लीडिंग हार्ट। ये फूल दिल के आकार जैसा दिखता है और इसके नीचे की हिस्से की तरफ एक छोटी सी बूंद जैसी पत्ती दिखती है, जो किसी दिल के खून के बूंद जैसी दिखती है, इसीलिए इस फूल का नाम है ब्लीडिंग हार्ट। ये फूल चाइना, कोरिया और जापान में पाया जाता है। नंबर 9 पे आता है पैरेट फ्लावर। वैसे तो ये फूल बैंगनी और लाल रंग का होता है, पर इसे अगर थोड़ा सा दूर से देखा जाए तो ये उड़ते हुए तोते जैसा दिखता है, इसलिए इसे पैरेट फ्लावर कहते हैं। नंबर 8 पे आता है बैलरीना ऑर्किड। वैसे तो बैलरीना का मतलब होता है डांसर, और ये फूल भी हूबहू एक डांसर की तरह ही दिखता है। छोटा सा बैलरीना का पौधा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये फूल क्रीम कलर और मेहरून कलर के कॉम्बिनेशन की पत्तियों से बना है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। नंबर 7 पे आता है डेक ऑर्किड। डेक ऑर्किड के नाम से मशहूर ये फूल उड़ते हुए बतख की तरह दिखाई देता है, जिसके पंख ऊपर की तरफ खुले होते हैं और इसके रेडिश ब्राउन कलर की चोंच किसी बतख की तरह दिखाई देती है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और क्वींसलैंड के इलाकों में पाया जाता है। तो दोस्तों फूलों की इस कैटेगरी में आता है ड्रैगन की तरह दिखने वाला पौधा स्नैप ड्रैगन एंड इट्स स्कल। इसी नाम से मशहूर ये फूल दुनिया भर में ड्रैगन की शक्ल के जैसा दिखता है, और इस फूल की खास बात यह है कि जब इसके मुंह को दबाया जाता है तो ये ड्रैगन की शक्ल के जैसा खुलता और बंद होता है। जब इसकी पत्तियां सूख कर गिरती हैं तब इसके बीज एक सूखी खोपड़ी के जैसा दिखता है, जो दिखने में बड़ा ही अजीब और थोड़ा डरावना भी है। दोस्तों कबूतर तो आप सबने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कबूतर के जैसा फूल देखा है? ये फूल साउथ अमेरिका, पनामा और कोस्टा रिका में पाया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल कबूतर के जैसा दिखता है। इसकी पंखुड़ियाँ ऊपर की तरफ खिली होती हैं, जो कि कबूतर के पंख के उड़ते जैसा दिखाई देता है। इसके पंख के ऊपर लाल रंग का निशान भी है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और हूबहू एक कबूतर की तरह दिखता है। नंबर 4 पे आता है नेकमैन ऑर्किड। इस फूल का नाम नेकमैन ऑर्किड इसलिए है क्योंकि इसकी पंखुड़ियाँ एक नंगे आदमी जैसी दिखती हैं, जो दिखने में बड़ा ही अजीब है। ये फूल चमकीला गुलाबी और सफ़ेद रंग का होता है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है बंदर की तरह दिखने वाला फूल मैंकी ऑर्किड। ये फूल ऊपर से दिखने में बिल्कुल हूबहू बंदर के मुँह जैसा दिखता है, पर इसे सूंघने में इससे संतरे के छिलके जैसी खुशबू आती है। नंबर 2 पे आता है हुकरस लिप्स। ये फूल ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और दिखने में लाल रंग का होता है। देखने में किसी लड़की के होठों जैसा दिखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है। दोस्तों फूलों की इस अजीब गरीब कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है स्वाल्डेड बेबीज, जो कि दुनिया भर में एंग्लो यूनिफ्लोरा के नाम से भी जाना जाता है। इस फूल को देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे को सफ़ेद कपड़े में सुलाया गया हो। देखने में काफ़ी ही ज़्यादा क्यूट और सुंदर फूल है ये। दोस्तों फूलों की अजीब गरीब कैटेगरी में आपको कौन सा फूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लेके।